हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर फॉर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट आई एम डॉक्टर प्रदीप मुले इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली इंडिया टुडे आई एम गोइंग टू बी टॉक अबाउट द वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर पेरीफेरल आर्टेरियल डिजीज़ पेरीफेरल आर्टेरियल डिजीज़ जो होती है उसमें उसको एक्जैक्टली exactly उसका मीनिंग होता है कि आर्टरी ये कहीं आपकी नैरो हो गई है और उसमें से ब्लड सप्लाई उस पर्टिकुलर ऑर्गन में नहीं जा रहा है पर्टिकुलरली कॉमनली ये इन्वॉल्व होता है पैर की जो आर्टरीज होती है उसमें होता है जिसको पेरीफेरल आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं इसके ट्रीटमेंट वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या है इसके एक होता है सबसे पहला होता है मेडिकल मैनेजमेंट होता है मेडिकल मैनेजमेंट में एक तो पेन मेडिकेशन होता है ब्लड थिनर होते हैं ब्लड थिनर होगा तो वो एरिया में ब्लड रुकेगा नहीं आपका धीरे धीरे जाने लगेगा तो ये 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 सब दो तीन तरीके के मेडिकल मैनेजमेंट होते हैं दूसरा जो तरीका होता है वो होता है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम लोग डिजिटल सप्ट्रेक्शन एंजियोग्राफी करते हैं उससे इसका इवेल्यूशन होता है कि आर्टरी कहाँ कहाँ पर बंद है एक जगह में बंद है दो जगह में बंद है और यदि वो नैरो वाला जो सेगमेंट है वो छोटा है बड़ा है उसमें हम लोग सब डिसाइड कर लेते हैं कि इसका नॉन सर्जिकली कैसे ट्रीटमेंट होना चाहिए नॉन सर्जिकली जो ट्रीटमेंट होता है इसमें एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग जैसे जिस तरीके से हार्ट की एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग होती है उस तरीके की आप इसमें भी कर सकते हो और ये जो टेक्निक होती है इसमें ये लोकल में होता है लोकल एनस्थिया में आपने पहले एंजियोग्राफी करके देख लिया साइज़ और वो सब आपने देख लिया कि कितना सिगमेंट नैरो है कितना लंबा है उस हिसाब से बैलून बैलून का सिलेक्शन होता है बैलून के साथ साथ में आप उसमें स्ट्रेंटिंग भी डाल सकते स्ट्रेंट भी कर सकते हो उसको तो ये तो हो गया नॉन सर्जिकल तरीका हो गया यदि मान लो कभी कई बार ये होता है कि नॉन सर्जिकल जो तरीका है ये अप्लीकेबल नहीं होता है पेशेंट में नहीं कर सकते हैं कुछ कुछ पेशेंट में तो उनकी उसके उसका जो थर्ड जो ऑप्शन होता है ट्रीटमेंट का वो होता है सर्जरी होती है सर्जरी में नॉर्मली क्या होता है बाईपास सर्जरी होती है बाईपास सर्जरी में नॉर्मली क्या करते क्या हैं इसमें बाईपास जैसे मान लो इतना इतना सेगमेंट यदि आपका नैरो है या तो कंप्लीटली बंद है तो एक और आर्टरी उसकी बॉडी से लेके या तो वेन लेके कर उस साइड से वो जो स्टेनोटिक जो, जो एरिया है उसको आप बाईपास कर सकते हो इसीलिए इसको बाईपास सर्जरी बोलते हैं ये पैरों में बड़ा कॉमन सा होता है मोटी आर्टरी है तो उसमें बाईपास बहुत अच्छे से काम आता है एक और ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं क्रायोप्लास्टी बोलते हैं ये क्रायोप्लास्टी बहुत नया सा है कुछ कुछ सेलेक्टेड पेशों पेशेंट में क्रायोप्लास्टी भी कर सकते हैं और यदि आपको इसका डिटेल इंफॉमेशन चाहिए तो यू कैन लॉग इन टू माई वेबसाइट वेबसाइट का नाम है डब्ल्यू और या तो मेरे को आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं मेरे मोबाइल पे मेरे मोबाइल नंबर है नाइन एट वन जीरो फोर नाइन टू डबल सेवन एट थैंक यू वेरी मच